सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। मैं एक बार बैठे बैठे सोच रहा था, जैचन मीर जाफर दौलत खान नाम सुने पर देखे नहीं चले गए, पर आज की दुनिया में उनके मॉडल होने के चले, तो अकस्मात नवजोत सिद्धू आ गए। चलो जैचन को बोलिए पीछे खड़ा करके फोन कराते हैं। नहीं ठीक हो गया, बस हो गया। आए कि नहीं आए सारे कलाकार हो सकते हैं, हंसाने वाले हो सकते हैं, पर सम्मान नहीं किया जा सकता क्योंकि दे आर ट्रेनिंग। दुनिया का एकमात्र अगर ये कहने में संकोच है क्या बोलते हैं भारत माता, तो अपना मेंटल ऑपरेशन करवाना है। हम किसी का अपमान नहीं कर रहे, पर हम सत्य से समझौता करके देश से बेईमानी नहीं कर सकते, देश से बेईमानी सह भी नहीं सकते। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम किसी का सेवा नहीं करते हैं, भारत माता से हैं, भारत माता का रक्षा करते हैं। और इसलिए ये आइडेंटिटी है पहचान। किस प्रकार की चुनौतियां बढ़ रही हैं? नवजोत सिद्धू मेरा बहुत अच्छा मित्र भी है, शिष्य जैसा है, पति पत्नी दोनों ही नवजोत है। एक कौर है, एक सिंह है। कौर है तो बहन जी होगी, सिंह है तो भाई साहब। क्या बनवा देते हमारे हाथ से क्या? और कभी कभी ऐसा लगता है देश में जयचंद कैसा होगा, तेरे कारण हमें उसको समझने में सरलता हो। कि देश में हो क्या रहा? तो जो गलत है गलत है। हम इस देश के अंदर कसाब वाला, याकूब वाला, इशरत जहां वाला मुसलमान युवक नहीं जाते। हम चाहते हैं तो कलाम के रास्ते वाला जाते हैं, कसाब के रास्ते वाला नहीं चाहिए, उसको बदलना। अगर है तो मान लेना चाहिए वो ट्रेड। धन्यवाद। जिस तरीके से राम मंदिर मामले में डिले पर डिले हो रहा है, क्या ऑप्शन है? ऐसा है, इस जस्टिस का डिले, इसकी पहली कसूरवार कांग्रेस है, दूसरी कसूरवार लेफ्ट है, तीसरी मजहबी कट्टरपंथी ताकते हैं, चौथे चंद जज हैं जिन्होंने जस्टिस को डिले किया है। संतों से अपील करूंगा कि वह कांग्रेस पार्टी पर धरना दें, लेफ्ट पार्टी के कार्यालय पर धरना दें, सुप्रीम कोर्ट के चंद जज जो डिले पर डिले करते जा रहे हैं उन पर धरना दे, ताकि सुप्रीम कोर्ट का ये कमिटमेंट, संविधान का ये कमिटमेंट, जस्टिस डिले करके डिनाइल में नहीं बदले, जल अर्लीस्ट डिलीवर हो। सरकार कानून बनाए या पार्लियामेंट में बहस करे कि न्यायालय से न्याय मिलेगा, अगर देरी होगी तो क्या अध्यादेश से देना चाहिए। मैं एक बात कह सकता हूँ, इसका फैसला हिंदुस्तान के किसी धर्म की जीत हार नहीं है, किसी पार्टी की जीत हार नहीं है, 125 करोड़ का हिंदुस्तान जीतेगा और जश्न मनाएगा। एक समस्या का सदा सदा के लिए, एक बर्बादी का सदा सदा के लिए अंत हो गया, समाधान हो गया। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।